स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे हैं आप सभी, और राजस्थान पुलिस का जिनका वेटिंग के अंदर सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका 10 मई से आपके मेडिकल और डॉक्यूमेंट का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी ने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो एकदम सेट कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है कि जो आपका नहीं बन पाया है, जैसे आपका कोई मूल निवास या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास पहले पुराना था और आपने अगर नया अप्लाई किया है तो हो सकता है वो एक दो दिन डिले हो जाए, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत आप। जो भी आपके पास पुराना जो आपका मूल निवास या फिर जाति प्रमाण पत्र है आप उसको साथ में लेकर जाना। और कोई डॉक्यूमेंट है जो आपका किसी कारणवश नहीं बन पाया है क्योंकि अभी स्ट्राइक चल रही है आपके जो बाबुओं की, तो उस वजह से अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है तो वो आप उसको बाद में आके जमा करवा सकते हो। उनको कह देना आप कि 2-3 दिन के बाद मेरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो मैं सबमिट करवा दूँगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। आपके जो मूल डॉक्यूमेंट हैं जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन की लगाई है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट ये आपको साथ में लेके जाना है। साथ ही जो भी आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की, जैसे अगर आपने 12th किया है उसके बाद में अगर आपने डिग्री नहीं लगाई आगे, तो 12th के बाद में जो आपको स्कूल से एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है वो भी आपको चाहिए होगा। अगर फोटोकॉपी साथ में लेके जाना, उसकी भी फोटोकॉपी करवा के लेके जाना साथ में। अगर ग्रेजुएशन की है आपने तो ग्रेजुएशन का भी साथ लेके जाना। अगर कुछ ने ग्रेजुएशन प्राइवेट की है तो प्राइवेट वालों को कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो वो आप अपना 12th वाला साथ लेके जाना, वही आपका सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा जब आपका फिजिकल हुआ था तो फिजिकल के वक्त में आपको एक मापतोल का एक सर्टिफिकेट दिया था और एक एडमिट कार्ड था आपका, वो आपको साथ में लेकर जाना, वो भी वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा जो भी आपका विवाह प्रमाण पत्र था, आपका जो शौचालय का प्रमाण पत्र था, और आपके और जो डॉक्यूमेंट थे जो बॉन्ड से रिलेटेड आपका एक डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि कितने लोगों के आपको साइन करवाने और किस प्रकार से वो बनेगा, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको कि जो भी आपका परिशिष्ट दय है, जो PDF है आपके पास, उस परिशिष्ट का दय जो नीचे नीचे आप पाओगे तो उसको आप क्या करना, A4 साइज़ के पेज के ऊपर निकलवा लेना। अगर आपको टाइप वाला फॉर्मेट चाहिए तो टाइप वाला फॉर्मेट मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर रखा पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद में उसको डायरेक्ट जो आपका 100 रुपये का स्टाम्प होता है जिसके ऊपर 100 रुपये जो 100 रुपये का नोट होता है वो चिपका हुआ रहता है, उसके ऊपर आप उसको निकलवा सकते हो डायरेक्ट। और अगर आप डायरेक्टली जो PDF का फॉर्मेट आपको दे रखा है, जो आपका रिजल्ट आया था उसके अंदर वेटिंग वाला, उसमें भी नीचे की तरफ आपको 2 पेज के अंदर वो दे रखा है, तो सीधे आप उसको A4 साइज़ के ऊपर निकलवा सकते हो और उसके ऊपर 100 रुपये की टिकट आपको आपके लग जाए तो वो भी वैलिड है, सेम दोनों चीज़ें वैलिड हैं। उसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो आपके जामीन बनेंगे और जो गवाह होंगे उनके साइन प्रॉपर होने चाहिए। सबसे ऊपर आपको 3 और 3 और 6 9 जगह आपको दे रखी है, तो सबसे ऊपर आपके हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद में आपके 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। गवाह कोई भी हो सकते हैं, XYZ, उनका नाम पता एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके सिग्नेचर चाहिए आपको। फिर आपका आएगा प्रथम जामीन और द्वितीय जामीन, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। प्रथम जामीन और द्वितीय जामीन, प्रथम जामीन आपका कोई भी हो सकता है, प्रथम द्वितीय जमीन कोई भी बन सकता है जिसके नाम पे संपत्ति हो, यानी अगर जमाबंदी है तो उसके अंदर उनका नाम होना चाहिए, और अगर कोई और प्रॉपर्टी का जैसे आपके कोई मकान की रजिस्ट्री वगैरह है तो वो भी उनके नाम से होनी चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है आपके उस बॉन्ड के साथ में। तो उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका जो मूल निवासी हैं वो कहाँ के, जो भी आपके हैं एड्रेस, अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी का सबसे बेस्ट है, अंकल है अंकल का भी सबसे बेस्ट है, आस पड़ोस अगर कोई मिल जाता है तो उनका भी सबसे बेस्ट है आपका, जो भी वो डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं। हालांकि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई लगाना चाहता है तो आप पड़ोसी से हेल्प ले सकते हो उसकी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली उनको, क्योंकि आजकल जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात है, छोड़ के तो कौन ही जाएगा, तो सिर्फ वो एक सिक्योरिटी के तौर पर आपसे लगाते हैं। तो जिसकी जमाबंदी के अंदर या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उनका नाम होना चाहिए, उसी व्यक्ति का प्रथम जमीन के अंदर नाम आएगा। फिर उसके नीचे 2 गवाहों के साइन होंगे, गवाह वो होंगे जो आपके नाम के नीचे जिन 2 गवाहों ने साइन किए हैं वही उनके गवाह बन सकते हैं, उनके साइन करवा देना दोनों के साथ में। फिर आपका द्वितीय जमीन भी वही होगा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, जमाबंदी में उसका नाम होगा, वो अलग व्यक्ति होना चाहिए पहले से, आपके अंकल हो सकते हैं या फिर कोई और आपका अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है।
ठीक है, उसके फिर उसके भी दो गवाह साइन होंगे। गवाह कौन से होंगे? जो आपके नेम के नीचे साइन किए हैं वो, प्रथम जामिन के नीचे साइन किया है वो, और उस द्वितीय गवाह के नीचे भी वही दोनों गवाह साइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके 9 हस्ताक्षर कंप्लीट होना चाहिए आपके बॉन्ड पत्र के अंदर। टोटल अगर व्यक्तियों की बात करें तो 5 व्यक्ति हो गए आपको मिला के, आप खुद समय हो गए, प्रथम जामिन द्वितीय जामिन 3 लोग हो गए और 2 गवाह। ठीक है, ये तीनों के नीचे साइन करेंगे। जब आप तहसील में लेके जाओगे तो तहसील में आपको गवाहों को लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद चले जाना। और जो आपके दोनों जामिनी दी है, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उन दोनों व्यक्तियों को आपको साथ में SDM के पास लेके जाना है। क्योंकि जब SDM साइन करता है तो आपसे पूछता है कि ये दो लोग कौन से हैं, तो उनको वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। बस तो ये था बॉन्ड का प्रोसेस। ये होने के बाद में आप, पिछली बार भी जब हमने ज्वाइन की थी तो उसमें कुछ गलतियां ये थी कि SDM ने तो साइन कर दिया लेकिन उसके ऊपर मोहर टिकवाना भूल गए, क्योंकि SDM वहाँ मोहर नहीं टेकता, सिर्फ साइन करता है। और जो फोर्थ जो LDC वगैरह बैठते हैं तो वो बता देते हैं कि उनसे आप मोहर टिकवा लेना, तो वो आप मोहर ज़रूर लगवा के लेके आना साथ में। वो जब आप मोहर लगवाओगे, मोहर लगाने के बाद में एक जो सॉफ्ट कॉपी है, जो हार्ड कॉपी है वो रखते हैं, एक फोटोकॉपी उनको, एक फोटोकॉपी का सेट उनको दे के आना पड़ता है, ओरिजिनल आप खुद लेके आओगे। तो ये था आपके बॉन्ड पत्र का, जो कंप्लीट किस तरीके से आपका बॉन्ड बनेगा। तो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है आपको, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके मेडिकल की, कि मेडिकल का प्रोसेस किस प्रकार से होगा। जो कॉमनली सबसे बड़ी जो गलतियाँ हुई थी और सबसे ज़्यादा जिसके अंदर रीमेडिकल मिले थे वो था आपका आँखों का। इसके अलावा जितना भी मेडिकल का प्रोसेस था वो सारा नॉर्मल था, आप इजीली उसको क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आँखों के अंदर मिस्टेक क्या हुई थी, क्योंकि सिली मिस्टेक की थी, सिली मिस्टेक की वजह से उनको रीमेडिकल मिला और कुछ को तो डायरेक्ट अनफिट कर दिया गया था। लगभग 15 लोगों की लिस्ट आई थी जिनको डायरेक्टली अनफिट कर दिया गया था, जिनका चोमू हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल था उनको डायरेक्टली अनफिट कर दिया था। हालांकि चोमू के अंदर बहुत ज़्यादा जाँचें नहीं हुई, सिर्फ 3 ही जाँच हो रही थी, यूरिन टेस्ट हो रहा था, आइस टेस्ट हो रहा था और नोकनी टेस्ट हो रहा था। ये 3 जाँचें हो रही थी और सबसे ज़्यादा रीमेडिकल मिले हैं आँखों के अंदर। और वहाँ पर एक मैडम थी, उसने डायरेक्टली उनको अनफिट कर दिया है, उनको उनकी विज्ञप्ति का किसी प्रकार कोई नॉलेज नहीं था कि उनको टेम्परेरी अनफिट करना है। तो उन्होंने उनकी जो पर्ची थी, जो स्टार्ट में आप जैसे हॉस्पिटल जाओगे तो आपको एक कागज़ दिया जाएगा जिसके अंदर आपकी डिटेल मांगी जाएगी, उसी के अंदर आपकी जो भी जांच वगैरह वगैरह है तो उनको लिखा जाता है कि इनके अंदर ये फिट हैं या अनफिट हैं। तो वहाँ पर मैडम को लिखना चाहिए था टेम्परेरी अनफिट और मैडम ने लिख दिया परमानेंट अनफिट। ठीक है, अगर 6/9 थी, 6/12 थी, उनको भी उन्होंने परमानेंट अनफिट कर दिया। तो इस वजह से जो डॉक्यूमेंट गया कमिश्नरेट के अंदर उसके आधार पर उनको डायरेक्टली अनफिट कर दिया गया है। हालांकि वो कोर्ट का सहारा लिया उन्होंने, तो देखते हैं उनका डिसीजन पेंडिंग है क्या आता है। तो हम बात करते हैं आपके मेडिकल के बारे में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आँखों का है, और आँखों का आप ये काम करना, जो भी आपके आसपास जिला अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल है, तो वहाँ पे एक बार चले जाना। तो वहाँ जाके एक बार अपनी आँखों का टेस्ट करवा लेना। टेस्ट से ये नहीं कि आपकी कोई मिस्टेक है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक तरीका पता लग जाएगा कि आपको किस प्रकार से आई टेस्ट देना है। क्योंकि जब आप उस रूम के अंदर बैठते हो, 2-3 डॉक्टर आपके आसपास होते हैं, तो एक थोड़ी सी अगर पहली बार है तो आपको ऐसा लगता है कि एक घबराहट फील होती है, और नेचुरली सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये सभी के साथ कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर आपने एक दो बार ऐसा कर रखा है कि आपने ऐसा टेस्ट दे रखा है, पहले से आपने ट्राई किया है, तो आपको वहाँ ऐसा कुछ भी नया नहीं लगेगा। क्योंकि प्रथम बार आप जाओगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ नया नज़र आएगा। क्योंकि होता क्या है, जब आप जैसे मैं आपकी यहाँ बैठा हूँ तो जस्ट मेरे सर के पीछे की तरफ दीवार होगी और मेरे सर के ऊपर वो जो आपका आई चार्ट होता है वो लगा रहता है सर के ऊपर जस्ट, और सामने की तरफ होता है शीशा, यानी कि 9 फीट के ऊपर शीशा होता है। और अगर शीशे में हम देखते हैं तो टोटल 18 फीट हो जाती है। तो आपको शीशे में देख के पढ़ना होता है। तो ऐसे ही करें, एक बार आप चखें, ट्राई कर लोगे। और दूसरी चीज़ ध्यान ये रखना है कि आपको पहले राइट आई से पढ़ाया जाएगा, तो आपको जो लेफ्ट वाली आई है डॉक्टर बोलेगा उसको बंद कर लो, तो आपको उसको बंद नहीं करनी, खुली रखनी है। आपकी जो हथेली है उसको सिर्फ ऐसे ऊपर की तरफ, ये हिस्सा है, यहाँ पर लगा लेनी है, जिसकी वजह से आपको वो इस आँख से आपको दिखे नहीं। सिर्फ इसको खुली रखना, आपको बंद नहीं करना। अगर बंद करोगे तो फिर क्या होता है, लाइट के अंदर आप इसको जैसे खोलोगे तो एकदम से आपको झुंझलाहट नज़र आए, वो थोड़ा अंधेरा सा नज़र आएगा, और उसकी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि वो आँख आपकी नॉर्मल हो फिर आपसे पढ़वाया जाए। तो अधिकतर से तो ये भी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उनको रीमेडिकल मिला। तो आपको इसको खुली रखना है, सिर्फ इसको ढकना है आँखें से कि आपको दिखे नहीं। पहले राइट आई से पढ़ना है और ऊपर से पढ़ते हुए आना आपको। ठीक है,
बिल्कुल आराम से और तेज़ आवाज़ में आपको पढ़ना है। जैसे कि अगर मेरे से बोला जाता है कि आप पढ़ो, तो मैं आपको इस प्रकार से ढकूंगा और ऊपर से पढ़ते हुए आना आपको, ए एक्स यू वी टी एन जेड यू एन पी आर ओ एस डी एक्स, तो इस प्रकार से आपको ऊपर से नीचे पढ़ते आना है। जैसे 6x24 होता है, 6x18, 6x12, 6x9, 6x6, तो ऊपर से आप पढ़ते आओगे तो डॉक्टर को ऐसा लगेगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, उसको साफ साफ दिखता है। ठीक है, आपको अटकना नहीं है। सबसे बड़ी जो गलती करता है कि बच्चा क्या करता है कि वो सारे शब्द पढ़ने की कोशिश करता है, जिसको उसको नज़र नहीं आता है। जैसे आपका जो आई हुआ, एन हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज क्रिएट होता है कि ये लिखा हुआ क्या, एफ हुआ, एफ वहाँ पी नज़र आता है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं उनको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, उसके आगे वाला है, पिछले वाला वापस आप पढ़ सकते हो। तो ऐसा करके आप अपना जो मेडिकल है आईज टेस्ट का, वो आराम से क्लियर कर सकते हो। फिर आपको आपकी जो राइट आई है उसके ऊपर तली रखनी होती है और सेम प्रोसेस से आपको ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए आना है, ए यू वी एक्स वाई टी आर एन पी एस टी यू। इतना अगर आप कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस से और थोड़ा ज़ोर से पढ़ोगे तो डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इसको साफ साफ नज़र आता है, तो वो आपसे ज़्यादा नहीं पढ़वाएगा। और जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो जो भी आपके साथ कॉन्स्टेबल या ऐसा ही जाएगा, उससे पूछ लेना कि आई चार्ट कहाँ लगा हुआ है, तो आप उसको देख लेना, अपने कैमरे में फ़ोटो ले लेना। और कोशिश करना कि जो नीचे की 6x6 की लाइन है, हिंदी की और इंग्लिश की, उन दोनों का आप अपनी हथेली पे लिख लेना, ताकि उसको बार बार आप रिपीट करोगे तो जब आप उसको देखोगे तो एक चीज़ पहले से अगर आप देखी हुई है आपकी, तो उसको आप वापस देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द है और यहाँ पर कौन सा है, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा, कन्फ्यूज कम होगा। इसके अलावा आपकी जो अदर टेस्ट है वो आपका एक्सरे होगा, हो सकता है ECG भी हो आपका, और नॉर्मल आपका जो नोकनी है टेस्ट होगा। नोकनी इतना गंभीरता से नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आप चल के आओगे तो वहीं आप डॉक्टर समझ जाएगा कि इसके नोकनी प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर ब्लॉकेज चेक नहीं करता। और जो बॉयज़ हैं उनका प्राइवेट पार्ट जरूर चेक होते हैं, बस नॉर्मल तरीके से चेक होते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बहुत गहराई से चेक होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल चेक करते हैं। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। और आपके आंखों कान वगैरह कोई चेक वेक नहीं हुए, हमारे तो किसी के भी चेक नहीं हुए, किसी भी बैच में चेक नहीं हुए कान वगैरह, तो आप नॉर्मली जो टिप लगा के आप चेक कर सकते हो। और किसी प्रकार कोई विशेष ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना, आराम से जाना। और जो आई टेस्ट है वो आप ज़रूर करवा लेना, क्योंकि आपके पास अभी वक्त है, 10 तारीख से आपके स्टार्ट होने वाले हैं, आज 8वीं है, तो आपके पास काफ़ी वक्त है, एक दो बार आप जाके ट्राई कर लेना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ताकि आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई टेस्ट किस प्रकार से होता है। जो सबसे मेन है पुलिस के मेडिकल के अंदर वो आईज है, तो आई टेस्ट आपका ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी समस्या आपको दिक्कत नहीं आने वाली आपके मेडिकल के अंदर। तो हम इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखना, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के अंदर अपना जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आप सभी के लिए। मिलते हैं जल्दी ही आपसे लाइन के अंदर, और जल्दी आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस भर्ती के अंदर। टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना।